सूरज हमारे सौरमंडल का मुख्य अंग है। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, क्योंकि जीवन के लिए जरूरी ऊष्मा हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है, और इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में सूर्य को भगवान का दर्जा दिया गया है। आज से कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दावा किया गया था कि नासा ने सूर्य की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया है, और ये आवाज हिंदू धर्म ग्रंथ के सबसे पवित्र शब्द ओम से मिलती है, यानी सूर्य से हर पल ओम की आवाज निकलती रहती है। तो क्या वास्तव में उस वीडियो में किए गए दावे सच थे? क्या वास्तव में किसी प्लेनेट या सूर्य की आवाज को रिकॉर्ड कर पाना संभव है? जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। स्वागत है आप सभी का रहस्य टीवी में, और मैं हूँ कुलदीप। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट का आवाज उत्पन्न कर पाना संभव है या नहीं। हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर क्षण विकिरणे या तरंगे उत्पन्न करती रहती है। ये विकिरणे दृश्य या श्रव्य तरंगों के रूप में हो सकती हैं। अगर हमारे कान या आंख इन तरंगों के प्रति संवेदनशील हैं, तो हम उन्हें सुन या देख सकते हैं। यानी अगर एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होगी तो हम उसे सुन सकते हैं। लेकिन इन तरंगों को हमारे कानों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर यह माध्यम हवा होती है। हवा के अणु वाइब्रेट करके साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इसी तरह अंतरिक्ष में भी आवेशित कणों और ग्रहों के मैग्नेटिक फील्ड के कारण वाइब्रेशन पैदा होते हैं। लेकिन उन वाइब्रेशन को पिक करने के लिए अंतरिक्ष में कोई माध्यम मौजूद नहीं होता। ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होते हैं, जो किसी भी ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके किसी भी ग्रह की साउंड को बनाया जाता है। यानी किसी भी ग्रह की जो आवाज हमें सुनाई जाती है, वो उस ग्रह की रियल साउंड ना होकर काल्पनिक साउंड होती है, क्योंकि असल में कोई भी ग्रह साउंड पैदा नहीं करता, बल्कि उसके चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साइंटिस्ट के द्वारा मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट करके एक ऐसी साउंड तैयार की जाती है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के मध्य होती है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से उस प्लेनेट की साउंड कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का प्रत्येक ग्रह अलग अलग फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करता है, इसलिए प्रत्येक ग्रह की प्रतीकात्मक आवाज भी अलग अलग और यूनिक होती है। नासा ने अपने विभिन्न स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरस्टेलर स्पेस, सूर्य और सभी ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्र से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रीडिंग को नोट किया, और उसकी हेल्प से इन सभी के लिए प्रतीकात्मक साउंड का निर्माण किया। आज से कुछ समय पहले वायरल हुए उस वीडियो में भी यही दावा किया गया था कि नासा ने सूर्य की आवाज रिकॉर्ड की है, लेकिन उस वीडियो में सूर्य की जो आवाज सुनाई गई थी उसमें आप ओम के स्वर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। इसको सुनने के बाद आपको भी यही लग रहा होगा कि सूर्य में से सच में ऐसी ही साउंड निकलती होगी, लेकिन ये सच नहीं है। नासा के द्वारा रिकॉर्ड की गई साउंड इस वीडियो वाली साउंड से बहुत अलग है। नासा के द्वारा रिकॉर्ड की गई सूर्य की प्रतीकात्मक आवाज में ओम का स्वर सुनाई देता है या नहीं देता, इस बात का फैसला आप स्वयं कीजिए। तो ये है नासा के द्वारा रिकॉर्ड की गई ओरिजिनल साउंड। तो चलिए अब हम आपको वो आवाजें सुनाते हैं जो नासा के द्वारा रिकॉर्ड की गई हैं और हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बुध ग्रह की आवाज।
शुक्र ग्रह की आवाज। पृथ्वी की आवाज। मंगल ग्रह की आवाज। बृहस्पति ग्रह की आवाज। शनि ग्रह की आवाज। शनि ग्रह के छल्लों की आवाज। यूरेनस ग्रह की आवाज। नेपच्यून ग्रह की आवाज। प्लूटो की आवाज। इंटरस्टेलर स्पेस की आवाज। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।